हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा प्री दिवाली शॉपिंग हॉल। यस गाइस, इट्स अमेज़न होम डेकोर हॉल। गाइस, ये बहुत बड़ा हॉल तो नहीं है, होम डेकोर का छोटा सा हॉल है। एंड क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैसे होम डेकोर के सामान को परचेज करने में वेस्ट नहीं करना चाहती थी, एंड लेकिन घर में कुछ चेंज चाहती थी, घर के जो डेकोरेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़े से सामान वहाँ से पिक किए थे। और कुछ सामान में अलग से डिलीवरी चार्ज भी लग रहा था, जिनको मैंने चॉइस करके रखा था उसमें अलग से डिलीवरी चार्ज लग रहा था, और मैंने बहुत सामान को ऐसे करके हटा दिया क्योंकि उसमें हर चीज़ में मैं अलग से डिलीवरी चार्ज दूँ तो ये जो हॉल मेरा है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता, तो इस वजह से मैंने कुछ सामान को वहाँ से हटा दिया। एंड जो इसमें डिलीवरी चार्ज अलग से नहीं लग रहा है, बस उसी प्रोडक्ट को मैंने वहाँ से पिक किए थे। एंड चलिए जल्दी से देख लेते हैं मैंने वहाँ से कौन कौन सी चीज़ ऑर्डर की है अपने घर के लिए। लेट्स गो। ये जो है फ्लावर पॉट्स है, एंड ये प्लास्टिक के हैं फ्लावर पॉट्स, और आप यहाँ देख सकते हो कुछ इस टाइप के कार्डबोर्ड में है, काफी सेफली पैक किया गया है। और इसके साथ ये इस टाइप के ट्रे भी आ रहा है, ये प्लास्टिक के हैं, और ये जो पॉट है ये भी प्लास्टिक के ही हैं, आप यहाँ देख सकते हो। और इसका जो हाइट है 7.5 इंच है, एंड ये कुछ इस टाइप का है, और इसमें 5 पीस मिल रहा है। यस, 5 पीस मिल रहा है पॉट, एंड ये भी 5 पीस है प्लेट्स। जो हाइट है 7.5 इंच है, और इसमें एक ट्रे भी मिल रहा है। सो मैंने इसको परचेज किया है क्योंकि मुझे घर में थोड़े से प्लांट को रखना है, तो इस वजह से मैं कुछ अच्छा सा पॉट, फ्लावर पॉट परचेज करना चाहती थी, इस वजह से मैंने इसको पिक किया है। आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी स्टडी क्वालिटी है ये। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ये है, और इसका प्राइस 300 के अंदर है। सो गाइस, सेकेंड वन जो है वो इस टाइप के कलरफुल स्टोन से, एक्वेरियम में जो स्टोन्स रहते हैं उस टाइप के ये स्टोन से, आप यहाँ देख सकते हो। सो ये जो स्टोन से ये इसको आप एक्वेरियम में भी रख सकते हो अगर आपके पास है, बट अगर नहीं है तो दूसरे तरीके से भी यूज हो सकता है। एंड मैं तो इसको प्लांट के ऊपर सजाने के लिए रख दूंगी, जो पॉट में प्लांट लगाऊंगी उसके ऊपर सजाने के लिए इसको रखूंगी, क्योंकि उसको मुझे घर के अंदर रखना है तो इस वजह से। एंड और भी कुछ सोच लेंगे इसको यूज करने के लिए, ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा। एंड बहुत तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इससे मैंने 1 kg ऑर्डर किया है, आप यहाँ देख सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 120-130 रुपीज में मिल गया मुझे 1 kg, तो मुझे काफ़ी बेटर लगा। काफ़ी अलग तरीके से आप इसको सजाने के लिए घर को यूज कर सकते हो, काफ़ी यूजफुल है। तो सेकेंड प्रोडक्ट मेरा ये था। सो गाइस, थर्ड मैंने जो वहाँ से पिक किया है वो एक आर्टिफिशियल फ्लावर है, एंड कुछ आर्टिफिशियल ये रोज फ्लावर है, ये प्लास्टिक के, एंड इसमें 18 स्टिक्स है फ्लावर के, और कुछ इस टाइप का ये फ्लावर है, आप यहाँ देख सकते हो। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे सजाना भी था घर को, एक कुछ अलग चाहिए था, तो मैंने पूरा ये बुके उनका ऑर्डर किया था। और ये फुल बुके इस टाइप के ही आता है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 600 है, एंड ये 18 पीसेस है इसके अंदर, एंड आप इससे सिंगल पीस नहीं ले सकते, ये पूरा बुके आपको परचेज करना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप का ये प्लास्टिक का फ्लावर है, हालांकि इसकी क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, आप यहाँ देख सकते हो, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्वालिटी इतना अप टू दी मार्क नहीं है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। आप जब इसको बेस के अंदर रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और इसको यहाँ बंधा हुआ है, ये ओपन करना पड़ेगा बेस में रखने के लिए। तो कुछ इस टाइप का ये प्लास्टिक फ्लावर रोज बुके हैं, और इसका जो प्राइस है 600 है। तो ये रहा मेरा थर्ड वन, एंड
फर्स्ट वन मैंने यहाँ से बिल्कुल ये जो है डोर मैट परचेज किया है और कुछ इस टाइप का ये डोर मैट है। बैक साइड कुछ इस टाइप का है इसका। प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और काफी अपर पोर्शन भी काफी सॉफ्ट है और ये सिंथेटिक है अपर पोर्शन इसका जो है। इसका जो प्राइस है 170 कुछ है, मैं स्क्रीन पे दे दूंगी वहां से आप देख सकते हो। सो ये था एंड लास्ट मैंने जो वहां से पिक किया है वो दो अलग सी चीज है जो मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रही थी लाने के लिए लेकिन मैंने कहा जब पेंट हो जाएगा घर की पुताई हो जाएगी तब मैं ला के लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्योंकि पेंट के टाइम तो हट ही जाता है। सो गाइस ये जो है पीवीसी वॉल स्टिकर्स है और कुछ इस टाइप से ये आ रहा है, इस टाइप से रोल है ये इसके अंदर और मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है। जब मैं स्टिक करूंगी वॉल में तभी ओपन करूंगी, इस वजह से मैंने इसको ओपन नहीं किया है। एंड कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में ये आ रहा है और ये जो स्टिकर है एक पिकअप का है एंड एक ट्री का है। जो ट्री है वो अटम ट्री, लवली अटम ट्री का वॉल स्टिकर है एंड ये दूसरी वाली जो है ये पिकअप का है। मुझे ये दोनों कंबाइन करके एक वॉल में डिजाइन करना है तो इस वजह से मैं ये दोनों को मतलब कंट्रास्ट कलर में पिक किया है ताकि ये दोनों मेरे जो वॉल में मैं डिजाइन करूंगी वहाँ पे सुंदर सा लुक दे वॉल को, तो इस वजह से मैं ये दोनों चीज को पिक की हूँ एंड ये दोनों को मैं साथ में ही कंबाइन करके ही एक वॉल में स्टिक करूंगी। देखते हैं हो पाता कि नहीं। तो पहली बार मैंने ये पीवीसी वॉल स्टिकर्स को परचेज किया है एंड बहुत सुना है इसके बारे में कि बहुत सुंदर लगता है वॉल पे जब स्टिक हो जाता है तो। और ये जो स्टिकर्स है ये रिटर्नेबल भी नहीं है, ये आप रिटर्न कर सकते हैं। सो एंड ये पिकअप वाली जो है 96 का है, 96 रुपीज का। एंड ये है 120 रुपीज की जो ट्री वाली है और ये दोनों पीवीसी वॉल स्टिकर्स है। सो गाइस ये था मेरा अमेजन होम डेकोर हॉल और ये बहुत छोटा सा होम डेकोर हॉल था और मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं करना चाहती थी क्योंकि कुछ सामान में अलग से डिलीवरी चार्ज लग रहा था, 70 रुपीज़ 90 रुपीज़ अलग से लग रहा था, सब में ऐड हो रहा था, एक एक चीज़ में ऐड हो रहा था, तो इस वजह से ये हॉल बहुत महंगा हो जाता, बहुत कॉस्टली हो जाता, तो इस वजह से मैंने वो सब चीज़ को स्किप कर दिया और मैं लोकल मार्केट से भी कुछ सामान लूँगी क्योंकि मुझे कुछ और भी चाहिए और बिना डिलीवरी चार्ज के। गाइस ये था मेरा हॉल, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, इससे आपको मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो गाइस मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।